Hello viewers, welcome to my channel. I'm Rashmi, your maths teacher. Today with another question from exercise 6.5. Question number 2. Question is, PQR is a right angle, triangle. Right angled at P and M is a point on QR such that PM perpendicular QR show that PM 2 nahi, PM square, power 2. PM square equal to QM into MR. तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जो फिगर में गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें एक ट्राइंगल बना लेते हैं कि पी क्यू आर हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है और राइट एंगल कहाँ पर है, पी पॉइंट पे है. तो मैं यहाँ पे एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ करती हूँ जो कि राइट एंगल है पी पॉइंट पे. ये राइट एंगल ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर लिया. तो ये यहाँ पे पी पॉइंट पे राइट एंगल है, तो मैंने पी पॉइंट सबसे पहले लिख दिया. अब क्यू आर है, आप कहीं पे भी लिख सकते हो, क्यू यहाँ पे भी, चाहे आर यहाँ, चाहे आर यहाँ, चाहे क्यू यहाँ, कहीं पे भी आप कुछ भी लिख सकते हो. तो मैं पी क्यू आर ट्राइंगल मैंने ऐसे बना लिया. ओके, और एम इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर, तो एक पॉइंट एम क्यू आर पे, और वो कैसे है, पी से एम, पी एम यहाँ पे ड्रॉ करना है लेकिन पी एम परपेंडिकुलर है क्यू आर पे. तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, बट ये क्यू आर पे क्या है, परपेंडिकुलर. तो ये पॉइंट एम है, परपेंडिकुलर है, इसलिए मैंने यहाँ पे 90 डिग्री बना दिया. ओके, तो ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है. अब हमें शो करना है कि पी एम स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें शो करना है कि पी एम स्क्वायर मतलब पी एम यहाँ पे दो बार लिखना है, वो इक्वल है क्यू एम, पी एम स्क्वायर मतलब पी एम साइड यहाँ पे दो बार है, क्यू एम इंटू एम आर के. तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं गिवन, हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें एक ट्राइंगल पी क्यू आर जिसमें कि एंगल पी कितना है, 90 डिग्री है, और पी एम परपेंडिकुलर है क्यू आर पे. आप पूरा क्वेश्चन भी ऐसे ही लिख सकती हूँ, यहां तक शो दैट से पहले तक वाली लाइन पूरा आप गिवन में राइट कर सकती हूँ. तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट मेथड से लिख दिया. और यहाँ पे टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव कि पी एम स्क्वेर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर. तो हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है, तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ. पी एम स्क्वायर है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, पी एम इंटू पी एम इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर. ठीक है, तो अगर इसमें से एक साइड को हम इसके नीचे ले जाते हैं और एक पी एम को इधर लेके जाते हैं तो ये साइड का रेशियो हो जाएगा. तो हमें यहाँ पे ट्राइंगल की साइड का रेशियो इक्वल लेकर आना है, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा. तो ट्राइंगल की साइड का रेशियो कब आता है, जब दो ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर. दो ट्राइंगल सिमिलर होने पर ही हम उनकी ट्राइंगल की साइड का रेशियो लिख सकते हैं. तो ये क्वेश्चन का हिंट है, ये हमने इसको ऐसे लिखा. अब इसको रेशियो फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एक साइड को आप इसके नीचे ले जाओ, एक साइड को इधर से इसके नीचे ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, पी एम अपॉन क्यू एम हो जाएगा और ये एम आर अपॉन पी एम हो जाएगा. तो वो रेशियो ही आ गया ना. तो रेशियो लिखने के लिए हमें ट्राइंगल को क्या लाना होता है, सिमिलर. तो अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि हमें कौन से ट्राइंगल को सिमिलर करेंगे कि ये रेशियो आएगा, ये वाला रेशियो आएगा. तो वो ट्राइंगल को देखने के लिए कि हमें कौन से ट्राइंगल लेने हैं जो हमें प्रूफ करना है, उसी को देखना है. तो आप यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे इसको लेफ्ट को हम नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ राइट को देख रहे हैं क्योंकि लेफ्ट तो रिपीट है तो वो दोनों ट्राइंगल में आएगा. तो आप यहाँ पे सिर्फ इसको देखो, एक क्यू एम है तो क्यू एम साइड कौन सी है, यहाँ पे ये रही, और एक एम आर है, एम आर साइड कौन सी, ये रही. तो आप इन दोनों साइड से बनने वाले ट्राइंगल ले लो. तो एम क्यू से बनने वाला ट्राइंगल कौन सा है, पी एम क्यू, और एम आर से बनने वाला ट्राइंगल कौन सा है, एम आर पी. तो ये दोनों ट्राइंगल को हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है. तो यहां से आपको इससे हिंट लेके आपको ट्राइंगल लेना है, तो समझ में आ गया कि इन दो ट्राइंगल को हमें सिमिलर करना है. तो इन ट्राइंगल हम उन्हीं से स्टार्ट करते हैं, इन ट्राइंगल पी एम क्यू एंड ट्राइंगल पी एम आर. ओके, दोनों ट्राइंगल को हमें क्या करना है, सिमिलर. तो एक तो हमें यहाँ पे गिवन है, दोनों में एंगल क्या है, 90 90. तो हमें यहाँ पे कर देती हूँ एंगल वन इक्वल टू एंगल टू. तो ये एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, बोथ आर 90 डिग्री, ये हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर. अब हमें ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए यहाँ पे चार क्राइटेरिया होते हैं, एंगल 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 एंगल, साइड 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 और एंगल साइड साइड एंगल साइड. ठीक है, तो साइड का तो यहाँ पे कोई रेशियो बन नहीं रहा है, साइड का रेशियो तो हमें यहाँ प्रूफ करना है. तो हम
फर्स्ट टू एंगल एंगल या एंगल एंगल एंगल, इसी से हम ट्राइंगल को सिमिलर कर सकते हैं. तो एक एंगल तो हमारे पास इक्वल आ गया, अब हमें एक एंगल की और जरूरत है. मिनिमम क्राइटेरिया में यही है कि एक एंगल और इक्वल आ जाए. तो आप यहाँ पे देखो, ये एम पी क्यू ट्राइंगल है और एंगल पी भी हमें यहाँ पे क्या गिवन है, 90 डिग्री. तो मैं यहाँ पे इसको नेमिंग करती हूँ, ये 3 ले लेते हैं, ये 4 ले लेते हैं और ये 5. ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, क्या 3 + 4 90 नहीं है, क्योंकि एंगल पी तो हमें क्वेश्चन में गिवन है 90 है. तो 3 + 4 भी कितना होगा, 90 डिग्री. तो मैं यहाँ पे लेफ्ट में करके बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो दो ट्राइंगल हमने लिए हुए हैं, उसका एंगल हमें इक्वल लिखना है. तो एंगल 3 + एंगल 3 + एंगल 4 कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि हमें एंगल पी यहाँ पे कितना गिवन है, 90 डिग्री. ओके, और देखो 4 + 5 भी 90 होगा. 4 + 5 यहाँ पे क्यों 90 होगा, क्योंकि देखो एंगल 2 + एंगल 4 + एंगल 5 ये कौन सा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल पी एम क्यू, ये तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री. किसी भी ट्राइंगल के 3 एंगल का सम होता है 180 डिग्री. अब आपके पास यहाँ पे एंगल 2 की वैल्यू आपको गिवन है 90, तो एंगल 4 + एंगल 5 की वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं गिवन है, ये भी यहाँ पे क्या हो गया, हमने इसको एज इट इज पुट कर लिया. तो एंगल 4 + एंगल 5 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90. तो एंगल 4 + एंगल 5 कितना हो गया, 90 डिग्री. तो मैं मुझे इसको, ये जो हमने लिखा पी के लिए और इसको, इन दोनों को इक्वेट करना है. अब देखो दोनों के राइट सेम है, ये भी 90 के इक्वल है, ये भी 90 के इक्वल है, तो लेफ्ट भी क्या होंगे, इक्वल. ये देखो ना, दोनों के यहाँ पे क्या इक्वल है, राइट इक्वल है ना, ये भी 90 के इक्वल है और ये वाली इक्वेशन भी 90 के इक्वल है, तो लेफ्ट भी तो इक्वल होंगे. तो फ्रॉम, इसको मैं फर्स्ट मार्क कर देती हूँ, इसको सेकेंड. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव एंगल 3 + एंगल 4 इक्वल टू एंगल 4 + एंगल 5. दोनों के राइट इक्वल है तो लेफ्ट भी क्या हो जाएंगे, इक्वल. दोनों ये देखो, मैंने यहाँ पे लेफ्ट राइट इक्वल है तो लेफ्ट को भी इक्वल कर दिया. तो यहाँ पे देखो, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल 3 किसके इक्वल हो गया, एंगल 5 के. तो इसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे, ये हमने जस्ट अभी प्रूव किया. या आप साइड में इसको सॉल्व करके बता सकते हो, या फिर आप इतना ना करके सिर्फ ये इक्वेशन लिख लो और ये इक्वेशन लिख लो, क्योंकि एक ट्राइंगल में अगर एक एंगल 90 है तो रिमेनिंग 2 एंगल का सम तो वैसे भी 90 होना है. तो आप यहाँ पे साइड में एक ही इक्वेशन, एक ही इक्वेशन लिख के और इसको सॉल्व करके ये बता दो. इतना नहीं लिखोगे तब भी चलेगा. तो यहाँ पे मैंने जस्ट अभी प्रूफ किया कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5. ओके, ये आपको कैलकुलेशन से पूरा बता देना है. तो यहाँ पे ये साइड में हमने सॉल्व किया, तो 1 = 2 हो गया और एंगल 3 किसके इक्वल हो गया, एंगल 5 के. ओके, तो ये यहाँ पे किससे हो गया, तो बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर. अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है, हमें ट्राइंगल लिखने कैसे, यहाँ तो हमने सीधा ले लिया था जो साइड थी उसके अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे जब भी राइट एंगल ट्राइंगल की बात आती है तो साइड ट्राइंगल फिर से अरेंज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे साइड लिखना है और ये राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, एंगल हमें गिवन होते हैं, ये 90 इस 90 के इक्वल है, 3 5 के इक्वल है. तो यहाँ पे हाइपरटेनियस के डिवाइड में हाइपरटेनियस आएगा, बेस के डिवाइड में बेस आएगा और परपेंडिकुलर के डिवाइड में परपेंडिकुलर आएगा. तो अब आपको यहाँ पे ये जो फिगर गिवन है उसमें आपको खुद को चेक करना है कि कौन बेस है, कौन परपेंडिकुलर और कौन हाइपोटेनियस है. अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो मैं आपको दूसरा मेथड बताती हूँ, जो बहुत इजी मेथड है. आपने जो ये लिखा है ना, बस इसी से आपको ट्राइंगल को फिर से अरेंज करना है. अब यहाँ पे देखो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है ना, तो यहाँ पे देखो एंगल 1 किस पे बना हुआ है, एम पे. एंगल 2 किस पे बना हुआ है, एम पे. तो आप यहाँ पे ट्राइंगल लिख लो. हम ट्राइंगल कैसे लिखना है बता रही हूँ, तो एम यहाँ पे लिख लिया और ये एम यहाँ पे लिख लिया, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है ना, बीच में सिमिलर का साइन लगा दिया. ओके, तो ये देखो 1 = 2 था, तो मैंने एम इक्वल टू एम लिख दिया, क्योंकि 1 भी एम का ही एंगल है और 2 भी एम का ही एंगल है. दूसरा यहाँ देखो 3 = 5 है, तो 3 = 5 है. अब लेफ्ट में लिखोगे तो लेफ्ट में लिखना है, राइट में लिखोगे तो राइट में लिखना है. तो यहाँ पे 3 के लिए कौन सा है, P. तो मैंने यहाँ पे M से पहले P लिखा और ये 5 के लिए क्या है, Q. तो M से पहले ही Q लिखना है. ठीक है, ये M से पहले मैंने P लिखा है, इससे जस्ट पहले लिखा है, तो यहाँ पे भी Q भी इसके पहले लिखना है. अब यहाँ पे लास्ट देखो, अब इस ट्राइंगल में हमने यहाँ पे ये देखा, ये एंगल 3 इसका था, 1 का लिखा हमने पहले M,
थ्री का लिखा हमने पी, अब इसमें से ट्राइंगल में से क्या बच गया आर, तो ये अगर सबसे पहले लिख रहे हैं तो इसमें भी जो थर्ड रह गया वो सबसे पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे थ्री हो गया, दूसरे में टू हो गया, फाइव हो गया, तो यहाँ पे बच गया पी, तो ये पी। तो ये दोनों ट्राइंगल को आपको इस साइड से इस तरीके से अरेंज करना है, पहले एंगल एंगल के अकॉर्डिंग आप लिखते जाओ, दो एंगल से आपका सिमिलर हुआ तो दोनों एंगल की वैल्यू दो, फिर रिमेनिंग वाले को लिख दो। अगर आप पहले लिख रहे हो तो पहले लिखना है, बाद में लिख रहे हो तो बाद में लिखना है। ये मैंने इसलिए किया ताकि हमें साइड का रेशियो लिखने में प्रॉब्लम ना हो, और साइड के रेशियो से ही ये प्रूफ होगा। अगर रॉन्ग लिख रही है तो ये जो आपको प्रूफ करना है ये नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर आ गए तो साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल। तो यहाँ पे देखो साइड का रेशियो आपको कैसे लिखना है, पहले फर्स्ट टू को लिख दो, तो यहाँ पे हो गया मैंने आर पी लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, आर पी, तो इसके भी फर्स्ट टू आएंगे आर पी अपॉन पी क्यू। ओके, नेक्स्ट आपका आएगा लास्ट टू, ये हमने फर्स्ट टू लिए थे पहले, अब ये लास्ट टू और लास्ट टू ले लो, ताकि ये आपको याद ना रखना पड़े कि कौन सा हमें पहले लिख के, मतलब परपेंडिकुलर कौन है और यहाँ पे बेस कौन है, हाइपोटेन्यूज कौन है, वो इससे अपने आप अरेंज हो जाएंगे। और फिर आपको क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट को साथ में रखना है, फर्स्ट और लास्ट को साथ में रखना है। तो यहाँ पे देखो ये आपका क्या है पीएम, नहीं सॉरी ये पहले आएगा आर एम है, तो मैं इसको एम आर कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में एम आर है, तो ये एम आर हो गया और ये पी एम, क्वेश्चन में पी एम है तो ये पी एम लिख दिया। ठीक है, समझ में आ गया, फर्स्ट टू को साथ में, फर्स्ट टू डिवाइड बाय फर्स्ट टू, लास्ट टू डिवाइड बाय लास्ट टू, और फर्स्ट लास्ट डिवाइड बाय फर्स्ट लास्ट। ये नहीं समझ में आ रहा है तो आपको इसके अकॉर्डिंग फिर अरेंज करना पड़ेगा और इसमें आपकी मिस्टेक हो जाएगी। 90 के सामने आपका आर पी है, तो वैसे देखो ये जो हमने पहले ट्राइंगल लिया ना पी एम क्यू, अब यहाँ पे देख लो पी एम क्यू, पी एम क्यू में ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने कौन है पी क्यू, तो ये हमारा, क्योंकि पी एम पी क्यू हमने बाद में लिया ना, तो ये डिवाइड में पी क्यू आ रहा है, ये 90, तो इसके सामने कौन है पी आर, तो ये देखो पी आर आ गया। फिर दूसरा एंगल थ्री है, तो दूसरा एंगल थ्री है, तो एंगल थ्री के जस्ट सामने कौन है आर एम, तो ये देखो आर एम आ गया, और यहाँ पे एंगल फाइव के सामने कौन है पी एम, तो ये पी एम आ गया, और रिमेनिंग साइड का आपको डिवाइडिंग है। जो मैथड आपको समझ में आता है अब वो मैथड ले लो, ये मैंने दो मैथड बता दिए यहाँ पे, एक तो आपको कैसे अरेंज करना है वो, और दूसरा 90 के सामने वाली साइड के साथ में 90 के सामने वाली साइड का डिवाइड आएगा, दूसरे एंगल 3 के सामने वाली साइड के सामने एंगल 5 के सामने वाली साइड का डिवाइड आएगा, और फिर लास्ट जो साइड बचेगी उनका आप डिवाइड लिख दो। ये दो मेथड है, ठीक है। अब हमें जो प्रूफ करना है उसमें हमें है पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर, तो यहाँ पे देखो जिन दो रेशियो में पी एम रिपीट आ रहा होगा हमें वो लेना है, तो यहाँ पे देखो ये पी एम यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हमें इन रेशियो को लेना है, इसको नहीं लेना है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज पी एम अपॉन क्यू एम इक्वल टू एम आर अपॉन पी एम, तो हम क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा पी एम इंटू पी एम इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर, यही हो गया क्यू एम इंटू एम आर पी एम इंटू पी एम, तो दिस इम्प्लाइज पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, यहाँ पे प्रूफ कर दिया हमने, हैंड्स प्रूव्ड। तो एक बार मैं आपको फिर से समझाती हूँ कि हम यहाँ पे रेशियो कैसे लिखे। अब मेरे हिसाब से तो आपको ये ट्राइंगल अरेंज करना इजी है, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है आप यही ट्राइंगल लिख लो, ये एंगल वन के सामने जो साइड होगी वो लिखनी है सबसे पहले, क्योंकि हम एंगल वन के सामने कौन है, देखो पी आर है ना, तो ये हमने यहाँ पी आर लिख दिया, और एंगल टू के सामने पी क्यू है, ये पी क्यू हो गया। फिर आपका यहाँ पे देखो एंगल थ्री के सामने आर एम है, तो ये आर एम हो गया, एम आर हो गया, कुछ भी लिख सकते हो, और एंगल फाइव के सामने पी एम है, तो ये पी एम हो गया। उसके बाद इस ट्राइंगल में से, इस ट्राइंगल में से ये दोनों तो हो गई, तो ये बची थी पी एम, और इस ट्राइंगल में से क्यू एम बचा था, तो क्यू एम से डिवाइड कर दिया। जो मैथड आपको ईजी लगता है आप वो लिख लो, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, थैंक यू।